चाहते हैं कि स्टडी आई के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आई चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन पर क्लिक करना है जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलज यमुना लिंक कनाल को लेकर वापस से जो मुद्दा है वो काफ़ी ज्यादा गहरा गया है इनफैक्ट मैं यहां पर आपको बताऊं तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी का कहना है यहाँ पर कि पंजाब विल बर्न इफ मेड टू शेयर वाटर काफी बड़ा बयान है कि अगर पंजाब को अपना वाटर शेयर करना पड़ा हरियाणा के साथ तो पंजाब बर्न करेगा का काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है तो ऐसा आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है उनका बयान क्या है ये पूरा हिस्ट्री क्या है आपका सतलज यमुना लिंक कनाल का इसके बारे में जानेंगे और इसके कुछ सोल्यूशन को भी देखने की कोशिश करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर लेक्चर की हर वीडियो आपको फेसबुक पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाई सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आप नीचे यहां पर मैप में देखिए ये है आपका पूरा इंडस वाटर सिस्टम जहां पर आपको पानी ये जो रिवर्स हैं दैट इज इंडस झेलम चेनाब और फिर आता है आपका रवि ब्यास सतलज तो यहां पर ये जो पूरा सिस्टम है रवि और ब्यास का जिसमें ब्यास जब मैं कहता हूं रिवर तो उसमें आपका सतलज का भी वाटर शामिल है राइट तो नाइनटीन में यहां पर जो वाटर एलोकेट किया गया था सेंटर के द्वारा ये बताया गया कि रिवर जो रवि और ब्यास रिवर है उसमें करीब 15.85 मिलियन एकड़ फीट का वाटर आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इसका वाटर शेयर किया गया राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में तो यहां पर राजस्थान को जो पानी है इसमें से गया एट मिलियन एकर फीट का जो पंजाब है ध्यान रखिएगा 1955 में जो पंजाब है उसके अंदर हरियाणा भी शामिल था ठीक है तब तक ये डिवाइड नहीं हुआ था तो उस समय पंजाब को गया 7.2 पॉइंट मिलियन एकड़ फीट और जम्मू कश्मीर को गया सिर्फ 0.65 मिलियन एकड़ फीट ऑब्वियस ही बात है जम्मू कश्मीर इसलिए इतना कम गया क्योंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के पास जो आप वाटर सिस्टम देखोगे ऑलरेडी इतना है इसके जो अलग अलग रिवर्स हैं और ये जो ज़्यादातर जो इसका भाग है वो आपका जम्मू कश्मीर से नहीं जाता है रवि और ब्यास का सिस्टम का तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर पूरे हिस्ट्री को सतलज यमुना लिंक कनाल के बारे में आगे क्या होता है नाइनटीन में हरियाणा क्रिएट हो जाता है पंजाब में से अलग हो जाता है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जब हरियाणा अलग हो गया तो ये जो वाटर शेयर किया गया था पंजाब के साथ तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर हरियाणा हरियाणा को भी जाना चाहिए था यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया 24 मार्च 1976 को और ये कहा कि हरियाणा का जो हिस्सा है पानी का वो होगा 3.5 मिलियन एकड़ फीट मतलब कि ये जो सेवन मिलियन एकड़ फीट दिया गया था पंजाब को पानी इसमें से थ्री पॉइंट फाइव जो है हरियाणा को जाएगा और बाकी का 3.7 वो आपका पंजाब के पास रहेगा ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ऑब्वियस बात है अगर ये पानी पहुंचाना है पंजाब से हरियाणा में तो यहाँ पर एक कुछ लिंक कुछ कनाल होना चाहिए तो आप देख सकते हो ये है आपका ब्यास का रिवर है और यहाँ से सतलज गुजर रहा है तो इसमें से पानी निकालने के लिए एक प्रॉपर कैनाल होना चाहिए जो कि हरियाणा तक ये पहुँचाया जाएगा इसके लिए डिसाइड किया गया कि दो किलोमीटर का ये कनाल होगा और जिसमें से करीब 90 किलोमीटर के आसपास हरियाणा में कनाल होगा और 120 किलोमीटर के आसपास पंजाब के अंदर यह कनाल होगा तो हरियाणा को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और इसको देखते हुए हरियाणा ने जल्दी से इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया और जून नाइनटीन आते आते जो अपना हिस्सा है कनाल का नाइन्टी किलोमीटर के आसपास का इसको कंप्लीट भी कर लिया लेकिन पंजाब ने अपना काम ही नहीं स्टार्ट किया था पंजाब कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट था कि हम इसको पानी नहीं देना चाहते हैं तो यहां पर आगे आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर दखल दिया और 1981 में पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में एक तरह से ट्राइबल टाइट एग्रीमेंट हुआ और जो पानी है रिवर रवि और ब्यास का इसको वापस से री करने की बात कही और इसी को देखते हुए 1982 में ये जो प्रोजेक्ट है सतलज यमुना लिंक हैल का ये स्टार्ट करने की बात कही गई और आप देख सकते हो कि उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्री इंदिरा गांधी जी वो उनको वल, वेलकम किया जाता है पटियाला के अंदर जब फाउंडेशन स्टोन डाला गया सतलज यमुना लिंक कनाल का ताकि प्रॉपर लिंक जो कनाल है वो यहां पर वापस से स्टार्ट हो सके पंजाब के अंदर लेकिन फिर वापस से क्या होता है कि आ, जो एस एडी की जो गवर्नमेंट है दैट इज श्रीमणि अकाली दल की सरकार है वो वहां पर आ जाती है और वो नहीं चाहती है कि ये जो पानी है वो हरियाणा के साथ शेयर किया जाए और उन्होंने एक तरह से एजुटेशन स्टार्ट कर दिया कनाल के खिलाफ और इसी को देखते हुए 1982 में आपको पता ही होगा जो पूरा सिनारियो था उस समय आपको ब्लू स्टार ऑपरेशन देखने को मिला होगा इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हो जाती है तो काफी ज्यादा जो मिलिटेंसी है सिख मिलिटेंसी पंजाब के अंदर वो आपको इस पूरे पीरियड में देखने को मिलेगी तो इसकी वजह से क्या होता है एक तरह से धर्म धर्म युद्ध की तरह यहाँ पर ये जो पूरा होली और है, तरह से कहा गया कनाल को लेकर छेड़ दिया गया था बाई अकाली दल आ, की वहां की सरकार के द्वारा तो जो एजिटेशन है, ये बहुत राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एक एग्रीमेंट साइन किया संत हरचंद सिंह लोंगवाल के साथ और इसी को कहा जाता है राजीव लोंगवाल अकॉर्ड अकॉर्ड के अकॉर्डिंग तक ये जो कनाल का पूरा हिस्सा था पंजाब के अंदर इसको कंप्लीट करने की बात कही गई और इसके ऊपर काम भी स्टार्ट कर दिया गया था और ऑलरेडी करीब परसेंट करीब काम यहां पर खत्म हो गया था लेकिन यहां पर वापस से कंस्ट्रक्शन जो है वो रुक जाता है 90% परसेंट काम के बाद क्या होता है कि वापस से सिख मिलिटेंसी जो है वो यहां पर स्टार्ट हो जाती है और करीब दो सीनियर इंजीनियर्स को यहां पर मार दिया जाता है और 35 फाइव लेबर्स को भी यहां पर सिख मिलिटेंट्स के द्वारा मारा जाता है तो एक काफी जो घातक है ये पूरा जो कनाल का कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से रुक जाता है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की कि यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लाया जाए ताकि जो कनाल का पूरा हिस्सा है उसको बनाया जा सके लेकिन इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम स्टार्ट नहीं हो पाता है और जो पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो आप एक तरह से कह सकते हो यहां पर रुक जाता है फिर नाइनटीन आता है हरियाणा ने वापस से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फाइल पिया जो है प्लिया फाइल किया और कहा कि पंजाब को डायरेक्शन दे कि वो जो अपना हिस्सा है कनाल का वो उसको बनाए लेकिन यहां पर क्या होता है कि पंजाब इसके ऊपर अगेन काम स्टार्ट नहीं करता है फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार में ऑर्डर किया कि यहां पर पंजाब को ये जो पूरा काम है कनाल के ऊपर वो यहां पर स्टार्ट करना चाहिए लेकिन इसके विरुद्ध क्या होता है पंजाब असेंबली एक एक्ट एक ले आती है जिसका नाम है पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 और इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर पंजाब सरकार का ये कहना था कि जो भी हमने एग्रीमेंट किया था 1985-81 जो भी एग्रीमेंट था ये एग्रीमेंट अब हम नहीं मानते हैं इस इस एग्रीमेंट को यहां पर कैंसिल कर दिया जाता है लेकिन ऑब्वियस बात है कि यह एग्रीमेंट पंजाब अकेले इसको कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है हरियाणा गवर्नमेंट भी है तो कहीं ना कहीं यह जो एग्रीमेंट था वो गलत था और इसी को देखते हुए आगे चलकर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्रीमेंट ये जो आपका लॉ पास किया गया था पंजाब असेंबली के द्वारा इसको यहां पर कैंसिल कर देती है लेकिन आप क्लियर तौर पर देख पाओगे कि ये जो पूरा काम है ये कितना लंबा खींचता गया है 2004 में यहां पर पंजाब असेंबली के द्वारा ये लॉ को लाया गया था लेकिन यह जो 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 मैटर है 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 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया 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 2016 में और तब जाकर ये किया गया। तो ये ये किया तो पूरा पूरा इतना लंबा टाइम पीरियड खींच भी माना जाता कि कई बार कनाल का वर्क है, वो अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन आगे क्या होता है कि आपको याद होगा चुनाव आने वाले थे रीहेबिलिटेशन एंड रीवेस्टिंग ऑफ प्रोपर्टी प्रोप्राइटरी राइट बिल टू थाउजेंड सिक्सटीन इसके थ्रू यहां पर पंजाब सरकार क्या करना चाहती थी कि जिनसे भी यहां पर ये लैंड खरीदा गया था कनाल बनाने के लिए काफी सारी जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो फार्मर से जो भी यहां पर लैंड खरीदा गया था वो पंजाब सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये लैंड आपको हम वापस दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि आपको जो हमने रुपए दिया था पहले वो तो आप अपने पास रखो और ये लैंड भी आप अपने पास ले लो तो उस समय कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा था तो इस तरह का देखने को मिल रहा था और आप देख सकते हो कि इस तरह से जो मिट्टी है वो कनाल के अंदर यहां पर डाली जा रही थी ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर बिल लाया गया था असेंबली के द्वारा पास किया गया था इसके ऊपर गवर्नर ने असेंट नहीं दिया था पास नहीं किया था तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं आपकी दो में लेकिन वापस से ये 2020 में ये मुद्दा अब फिर वापस कैसे सामने आता है तो रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 28 को जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब और हरियाणा के दोनों को यहां पर डायरेक्शन दिया है कि वापस से आप एक साथ नेगोशिएट करो और ये जो पूरा कनाल का इशू है इसको आप सेटल करने की कोशिश करिए और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक मीटिंग बैठानी चाहिए हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर और दोनों राज्यों के बीच में एक तरह से मीडिएट करने की कोशिश करनी चाहिए और इसी को देखते हुए जल शक्ति जो मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग भी बैठाई दोनों चीफ मिनिस्टर को साथ में रखकर लेकिन यहाँ पर ये जो मीटिंग है वो इनकन्क्लूसिव रही थी इसका कोई भी परिणाम नहीं आया था लेकिन जो शेखावत जी हैं उनका यह कहना था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर कनाल का काम जो है वो कंप्लीट किया जाए लेकिन दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह ने जैसा मैंने अभी आपको हेडलाइन में बताया था कि उन्होंने क्लियर तौर पर मना कर दिया कि पंजाब यहां पर अपना वाटर शेयर नहीं करेगा हो सकता है आगे चलकर जल्दी एक और इसके ऊपर मीटिंग बुलाई जाए नाउ यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिरकार पंजाब चीफ मिनिस्टर के द्वारा ऐसे-ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं पंजाब का कंसर्न क्या है तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं देखिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये जो पूरा मामला है ये बहुत समय से चलता रहा है काफ़ी पुराना मामला है जब छोटा मामला होता है छोटे समय वाला मामला होता है उसको सुलझाना थोड़ा आसान होता है लेकिन क्योंकि ये इतना ज़्यादा खिंच चुका है मामला इसलिए पंजाब को ऐसा लगता है कि उसने ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर जो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू यहाँ पर जो भी खेती की है उसका ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है कई जगह आप देखोगे ऑलमोस्ट जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म होने के कगार पर आ गया है और पंजाब ऐसा मानता है कि हमने जो खेती की है यहाँ पर अनाज उगाया है वो तो हमने पूरे देश के लिए गया है तो कहीं ना कहीं अब उसको डेजर्टिफिकेशन का खतरा हो रहा है उसको लग रहा है कि अगर वो अपना पानी शेयर करेगा तो उसके पास पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और यहाँ पर पंजाब चीफ मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वापस से स्टार्ट हुआ कनाल को लेकर तो यूथ के अंदर एक तरह से डिस्क्रिमिनेटेड फील करेगा कि उसका जो पानी है वो दूसरे के साथ शेयर किया जा रहा है और ऐसा चीफ मिनिस्टर का मानना है कि पाकिस्तान इस इशू को उठा सकता है हो सकता है कि कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख मिलिटेंट से रिलेटेड जैसे कि सिख फॉर जस्टिस वो इसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं इस तरह के मुद्दे को उठाकर और राज्य के अंदर बहुत सारी ट्रबल आ सकती हैं तो तो आखिरकार पंजाब चाहता क्या है तो पंजाब का यह मानना है कि हम चाहते हैं एक और नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए यहां पर उसका यह कहना है कि जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखिए तो 1981 में यह बताया गया था कि उसके अंदर पानी 17.17 मिलियन .17 एकर फीट है लेकिन अब क्या है पानी यहां पर कम हो चुका है तो 2013 का अकॉर्डिंग अगर आप देखिए ऐसा पंजाब का कहना है कि पानी जो है वो हो चुका है थर्टीन पॉइंट थ्री एट मिलियन एकर फीट तो कहीं ना कहीं अब पानी कम हो चुका है तो वापस से इसके ऊपर री विजिट करने की आवश्यकता है कि कितना पानी अब शेयर होना चाहिए ऐसा शायद पंजाब कह रहा है तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा मुद्दा था यहां तक आपको मैंने बता दिया है लास्ट में जाने से पहले अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो राज्य के दोनों राज्य के बीच में ये प्रॉब्लम इतने लंबे समय तक चलता आ रहा है इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों राज्यों को एक साथ बैठना पड़ेगा और जो जो डिस्ट्रस्ट है उसको यहां पर ख़त्म करने की कोशिश की जाए करनी चाहिए और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो यहां पर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स को छोड़कर कहीं ना कहीं यहां पर दोनों राज्यों को एक साथ बैठकर और राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाने चाहिए और उसको सुलझाने की जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए लेकिन कैसे यहाँ पर ये ऐसा सही बात है कि पंजाब और हरियाणा में दोनों जगह अगर आप देखोगे तो वाटर का इश्यूज आपको देखने को मिलेगा तो दोनों की आवश्यकता है देर इज़ नो डाउट लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जैसे कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है इस समय वो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है मतलब कि जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसमें वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको शिफ्ट करना चाहिए लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप के थ्रू ताकि जो वाटर की समस्या है उसको हम थोड़ा सा कम कर सकें और यहाँ पर पंजाब को, को भी ऐसा समझना पड़ेगा जिस तरह से उसने यूनिलैटरली जो भी एग्रीमेंट है उसको कैंसिल करने की बात कही है वो गलत है यहाँ पर हरियाणा के साथ कॉपरेट करने की कोशिश करनी चाहिए और जो मामला है उसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए और जाने से पहले मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया है लेट्स uh, सी कि आप में से ये लोग कितना कर पाते हो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे आप इसका आंसर दीजिए और मैं एक काम करूंगा इसका जो आंसर है वो मैं अपने एक तो इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग टेलीग्राम पर तो होंगे ही तो वहां पर भी मैं अपना इसका आंसर डाल दूंगा तो आप वहां से देख सकते हो और आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर मैं डेली एक यहाँ पर एम डालता हूँ आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था पंजाब हरियाणा के बीच में सतलज यमुना लिंक कनाल यहाँ पर आपको कुछ जाने को मिला होगा मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन थैंक यू वेरी मच सी यू उसम